नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। हमने हर मैच में भारत की प्लेइंग 11 देखी है, प्लेइंग 11 बदलती हुई भी देखी है। ओडीआई के हिसाब से अलग प्लेइंग 11 होती है, टी20 के हिसाब से अलग प्लेइंग 11 होती है, टेस्ट मैच के हिसाब से अलग प्लेइंग 11 होती है। लेकिन अब टीम इंडिया के पास एक और प्लेइंग 11 है। ये प्लेइंग 11 है इंजर्ड प्लेइंग 11। वैसे तो इसमें नाम और भी ज्यादा जुड़ सकते हैं। अगर आप 15 सदस्य स्क्वाड भी बनाना चाहें तो भी आप बना सकते हैं। 12 सदस्य स्क्वाड तो आप बना ही चुके हैं। इंजर्ड प्लेइंग 11 के आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो इस इंजर्ड प्लेइंग 11 में, या कप्तान कौन बन सकता है। दरअसल आईपीएल ये सभी खिलाड़ी खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन आईपीएल से पहले भी कुछ खिलाड़ी गायब हो जाते हैं, आईपीएल के बाद भी कुछ खिलाड़ी गायब हो जाते हैं, बायलेटरल सीरीज में खिलाड़ी गायब हो जाते हैं, उसके अलावा आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी ये सारे बड़े खिलाड़ी गायब हो जाते हैं। कुछ इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं, कुछ इंडिया के स्क्वाड में शामिल हो चुके हैं। आईपीएल ये सभी लोग खिलाड़ी खेलते हैं, पूरे फिट तरीके से खेलते हैं, पूरे मुकाबले भी खेलते हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस इंजर्ड 11 के कप्तान जसप्रीत बुमराह को बनाया जा सकता है। जसप्रीत बुमराह 6 महीने से लगातार इंजर्ड चल रहे हैं। ना उन्होंने एशिया कप खेला, ना उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप खेला। टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में आए थे, लेकिन मात्र 6 ही ओवर करवाकर फिर से इंजर्ड हो गए थे, जिसके बाद अभी तक जसप्रीत बुमराह का कोई अता पता नहीं है। हालांकि खबर आ रही है कि एनसीए में उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दिया है और 1 मार्च से होने वाले भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट मुकाबले से जसप्रीत बुमराह वापसी कर सकते हैं, लेकिन अभी इंजर्ड 11 में ही उनको शामिल कर दीजिए। माना जा रहा है कि एशिया कप, टी20 वर्ल्ड कप और कुछ बायलेटरल सीरीज भी हम हारे हैं जसप्रीत बुमराह के ना होने की वजह से, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की कमी खलती है, इसीलिए आप उन्हें इंजर्ड प्लेइंग 11 का कप्तान भी कह सकते हैं। इस टीम के उपकप्तान आप बना सकते हैं भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को। एशिया कप का शुरुआत कर ली थी रविंद्र जडेजा ने, अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे, लेकिन एशिया कप के दौरान ही रविंद्र जडेजा चोटिल हो गए थे। उनके घुटने में चोट लगी थी, नी की सर्जरी हुई थी। उसके बाद कुछ सीरीज में उनका नाम आया। बांग्लादेश के खिलाफ दिसंबर में जो सीरीज खेली गई थी उसमें रविंद्र जडेजा का नाम पहले आ गया था, लेकिन वो नाम वापस ले लिया गया। उसके बाद न श्रीलंका के खिलाफ उनका नाम आया और ना ही न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका नाम आया। अब सीधा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शायद हमें रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब रविंद्र जडेजा को भी ऑलमोस्ट 6 महीने का वक्त हो ही चला है जब से उन्होंने भारतीय टीम के लिए कोई क्रिकेट नहीं खेला। ऐसे में आप रविंद्र जडेजा को इस टीम का उपकप्तान बना सकते हैं। बात चल रही है इंजर्ड 11 की। इस इंजर्ड 11 में तीसरे नंबर पर आते हैं ऋतुराज गायकवाड़। भारत के लिए खेलने का मौका मिल भी चुका है, अच्छा प्रदर्शन कर भी लिया था, लेकिन प्रदर्शन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का परफॉर्म था, इसलिए टीम में आते जा रहे थे, टीम से जाते जा रहे थे। लेकिन अब अच्छा चांस था, न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका मिल सकता था, इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ भी मौका मिल सकता था, लेकिन रिस्ट इंजरी के कारण ऋतुराज गायकवाड़ बाहर हो गए, जिसकी वजह से शायद आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा और प्लेइंग 11 से भी शायद बदलाव करना पड़ा। हम सब सोच रहे थे कि शायद ऋतुराज गायकवाड़ प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स का ये खिलाड़ी आईपीएल में हर मैच खेलता है, लेकिन जब टीम इंडिया में शामिल होता है उसके बाद इंजरीज का दौर शुरू हो जाता है। चौथे नंबर पर बात करते हैं श्रेयस अय्यर की। इंजर्ड 11 में इनका नाम भी जोड़ दीजिए। 2022 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले श्रेयस अय्यर इंजर्ड 11 में शामिल हो चुके हैं। दरअसल श्रेयस अय्यर को बैक इंजरी हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज मिस की और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच भी श्रेयस अय्यर मिस कर देंगे, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद शुभमन गिल को डाउन दी ऑर्डर भेजा जा सकता है या फिर सूर्य कुमार यादव को भी इस सीरीज में चांस मिल सकता है। ऐसे में श्रेयस अय्यर का ना होना टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होता है और हम शायद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, इसमें भी श्रेयस अय्यर की कमी हमें खल सकती है। इंजर्ड 11 में श्रेयस अय्यर शामिल हो गए। अब बात कर लेते हैं गेंदबाजों की। आधा दर्जन से ज्यादा गेंदबाज, तेज गेंदबाजों की मैं बात कर रहा हूं, आधा दर्जन से ज्यादा तेज गेंदबाज इंजर्ड 11 में शामिल हो चुके हैं। जो खिलाड़ी ऐसा लग रहा था कि भविष्य के जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार हो सकते हैं, जो लग रहा था कि वर्ल्ड कप जिता सकते हैं, वो काफी लंबे समय से इंजर्ड 11 में शामिल होकर आराम कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है प्रसिद्ध कृष्णा। ओडीआई विश्व कप का सितारा माने जा रहे थे, लेकिन तकरीबन 1 साल से ज्यादा का वक्त अब हो चुका है,
जब से प्रसिद्ध कृष्णा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं। आईपीएल 2022 से पहले भारत के लिए मुकाबला खेले थे, उसके बाद आईपीएल 2022 के बाद से अभी तक भारत के लिए कोई मुकाबला नहीं खेला। इंजरी के बारे में कोई अपडेट भी नहीं है। आप कह सकते हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा इस इंजर्ड 11 के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं जो इसमें परमानेंट क्रिकेट हासिल कर चुके हैं। इंडियन टीम में एक साल पहले मौका मिला था, उसके बाद अब से इंजर्ड 11 में ही शामिल है। इनका नाम आप सबसे ऊपर रख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे वेंकटेश अय्यर की। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इनको भी चोट लग गई थी। हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट माने जा रहे थे वेंकटेश अय्यर। एक समय पर T20 में आप इनसे ओपनिंग करवा लीजिए, आप इनसे गेंदबाजी की शुरुआत करवा लीजिए, आप इनसे बल्लेबाजी में 6 नंबर पर 7 नंबर पर फिनिशर का रोल दे दीजिए। वेंकटेश अय्यर जितनी जल्दी भारतीय टीम में घुसे थे, उतनी ही जल्दी शायद वेंकटेश अय्यर इंजर्ड होकर टीम से अब दूर होते जा रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इन्हें चोट लगी थी, तस्वीरें वायरल हुई थी, और उसके बाद हार्दिक पांड्या तो लगातार खेल रहे हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट जिन्हें कहा जा रहा था वेंकटेश अय्यर, वो इंजर्ड 11 में शामिल हो गए हैं। अब बात टी नटराजन की। टी नटराजन को भी आप इंजर्ड 11 में शामिल कर दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि खिलाड़ियों की लिस्ट कितनी ज्यादा लंबी है जो कि भारत के लिए इंजर्ड ही है। अब आप कहां से प्लेइंग 11 बनाएंगे, कहां से 15 सदस्य स्क्वाड बनाएंगे जब आपके पास एक दर्जन से ज्यादा खिलाड़ी इंजर्ड ही है। तो ऐसे में सिलेक्शन कमेटी के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है और बाकी खिलाड़ियों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह की प्लेइंग 11 बनाना। बात टी नटराजन की, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट कैप मिल चुकी है, उसके बाद इंजर्ड हो गए हैं और अभी तक टी नटराजन की इंजरी के बारे में कोई अपडेट नहीं है। अब टी नटराजन कब वापसी करेंगे? टी नटराजन जैसा गेंदबाज भारतीय टीम को चाहिए ही चाहिए। इस चीज का जिक्र सिर्फ हम नहीं कर रहे, पूर्व क्रिकेटर और बाकी तमाम फैंस भी कर रहे हैं। बात खलील अहमद की। खलील अहमद बॉलिंग सेंसेशन माने जा रहे थे। कहा जा रहा था कि खलील अहमद भारतीय क्रिकेट में तूफान ला सकते हैं, कोहराम मचा सकते हैं, तेज गेंदबाज हैं, लेकिन आईपीएल 2022 के बाद से खलील अहमद भी नहीं दिखे और शायद खलील अहमद अब हमें सीधा आईपीएल 2023 में ही दिखाई देंगे। इंजरी है उन्हें, इंजरी पर फिर कोई अपडेट नहीं है। कब ठीक होंगे, कब वापसी करेंगे पता नहीं, लेकिन हमें शायद आईपीएल 2023 में खलील अहमद खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद बात मोहसिन खान की। मोहसिन खान भी माने जा रहे थे कि भारत के लिए एक तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं, उन्हें वर्ल्ड कप तक ले जाने की चर्चाएं की जा रही थी फैंस द्वारा, लेकिन मोहसिन खान भी इंजर्ड हो गए। अब इंजरीज इतनी ज्यादा है भारतीय खेमे में, आप सोच सकते हैं कि इससे एक अलग इंजर्ड 11 बनाई जा सकती है जो कि आईपीएल में हमें खेलती हुई नजर आएगी। तो क्या इंजर्ड 11 को आईपीएल में ही खेलना जरूरी है? क्या इंजरी से उभर कर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए? तमाम फैंस सोशल मीडिया पर इस तरह के सवाल उठाते रहते हैं कि आखिर मोहसिन खान कहाँ है? प्रैक्टिस तक उन्होंने नहीं की आईपीएल 2022 के बाद से, नेट्स पर भी दिखाई नहीं दिए। ना जाने कौन सी इंजरी है जो इतना परेशान कर रही है और क्या वो इंजरी आईपीएल 2023 में ठीक हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। इसके बाद नंबर यश दयाल का। यश दयाल लेफ्ट आर्म है गेंदबाज और लेफ्ट आर्म पेसर्स की कमी कितनी खलती है इंडियन टीम में, ये लोग हम सब लोग जानते हैं। गुजरात टाइटंस के लिए आईपीएल खेलते थे, इंडिया का कॉल अप भी मिला था, इंडिया स्क्वाड में शामिल भी हो गए थे, लेकिन इंजरी और उसके बाद स्क्वाड से बाहर हो गए, उनकी रिप्लेसमेंट का अनाउंसमेंट किया गया। लेकिन यश दयाल जिस तरह के खिलाड़ी माने जा रहे थे, गुजरात टाइटंस को पहले ही सीजन में खिताब जितवा दिया था यश दयाल ने और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुए थे गुजरात टाइटंस के लिए भी, लेकिन जब टीम इंडिया की बारी आई हो गई इंजरी और हो गए टीम से बाहर। अब बात कुलदीप सेन की। कुलदीप सेन टीम इंडिया के लिए एक मैच खेल भी चुके हैं, यानी कि कैप उनके पास है, अभी तक अनकैप्ड नहीं है। इंडिया के लिए एक मैच खेल भी चुके हैं कुलदीप सेन, लेकिन एक मैच खेलने के बाद ही इंजरी हो गई। अब ये समस्या आईपीएल में क्यों नहीं होती है, ये बड़ा सवाल है। देखिए आईपीएल में ये समस्याएं क्यों नहीं होती हैं, आईपीएल में क्यों खिलाड़ी इंजर्ड नहीं होता है, और इंडिया के लिए एक मैच खेलते कुलदीप सेन का इंजर्ड हो जाना इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा झटका था। बात दीपक चाहर की। दीपक चाहर इंजरीज है या इंजरीज दीपक चाहर है, इस चीज का समझ नहीं आता है फैंस को, क्योंकि दीपक चाहर एक मुकाबला खेलते इंजर्ड हो जाते हैं। अभी रणजी ट्रॉफी में राजस्थान के लिए खेल रहे थे, 12 ओवर भी करवा दिए थे, लेकिन उसके बाद इंजरी कंसर्न्स था, 12 ओवर से ज्यादा उन्होंने नहीं डाले और अब उनका नाम किसी भी स्क्वाड में शामिल नहीं हो रहा है भारत के लिए, लेकिन आईपीएल में आपको दीपक चाहर खेलते हुए जरूर नजर आएंगे। अंत में बात ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत भी एक्सीडेंट हो गया था, वो दुखद था, वो इंजरी एक अलग तरह की इंजरी है, लेकिन फिर भी ऋषभ पंत भारत के लिए जितना इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, ऋषभ पंत की सेवाएं अब भारतीय क्रिकेट टीम को लगभग 6-8 महीने तक तो नहीं ही मिलने वाली है, जिसकी वजह से आप उन्हें इंजर्ड 11 में शामिल कर सकते हैं। अब ये 11 से ज्यादा बड़ी लिस्ट हो गई है हम मान रहे हैं,
लेकिन ये इंजरी कंसर्न भारत के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक साबित होता है ये हम सब लोग जानते हैं। ओडीआई विश्व कप हमारे सामने है, दहलीज पर है, एशिया कप हमारी दहलीज पर है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हमारी दहलीज पर है और सबसे पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमारे सामने है 9 फरवरी से जिसकी शुरुआत हो रही है। ऐसे में इंजरी कंसर्न भारत के लिए कितना मुश्किल साबित हो सकता है ये बात आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।